भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख आज मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में माथा टेक पूजा अर्चना की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में संजय मयूख ने कहा कि जिसे विकास के साथ आज देश और बिहार आगे बढ़ रहा है, उसी विश्वास के कारण आज लोग भाजपा और पीएम मोदी के साथ हैं और विकास के समर्पित लोग भाजपा में आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के खेला करने के बयान पर कहा कि जिसने कहा था कि खेला होगा, उसे समय समय पर खिलौना दिया जा रहा है। जैसे जैसे तेजस्वी की यात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका जनाधार खिसकेगा और इनके विधायक भी खिसकेंगे। महागठबंधन में सभी लोग मंच पर ही रहते हैं, स्वयं भी नेता हैं। कहा कि जनता ने इंडी गठबंधन का समय दबा दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के सीटों को लेकर कहा कि कोई असमंजस नहीं है, बिहार के सभी 40 के 40 सीटों पर और देश में अब की बार 400 पार होगा एनडीए। इस बार बीजेपी ने संपूर्ण बिहार और संपूर्ण देश में सुख समृद्धि फैले, बाबा गरीबनाथ के यहाँ हमेशा आने का मौका मिलता है, बाबा का आशीर्वाद मिलता है, बाबा के आशीर्वाद से देश भी खुशहाल बने, प्रदेश भी खुशहाल बने और फिर से एक बार देश में 400 पार हो, ऐसी कामना हमने की। देखिए, जिसका विकास में विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसलिए विकास को समर्पित लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये होता है क्या, किसी ने कहा था, कहा था कि खेला करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि खिलौना देंगे, अब खिलौना इतना खेलना पड़ेगा तेजस्वी जी को कि जैसे जैसे तेजस्वी जी की यात्रा आगे जाएगी उनका जनाधार भी खिसकेगा और उनके विधायक भी खिसकेंगे। असल बात इनके यहाँ मंच पे ही सब लोग रहते हैं, जनता नदारद है, इनके यहाँ स्वयंभू राजनेता साथ चल रहे हैं, तो अब कौन सा समय दिखाएंगे, जनता ने उन्होंने समय गवा दिया है और जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोई असमंजस नहीं है, बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे और देश में आप 400 पार रहेंगे।